एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए मुझे कोई ब्लॉग या फिर कोई वीडियो शेयर किए हुए। तो फाइनली ये एक सेलिब्रिटी कॉपी कह लो या फिर इंस्पायर्ड कह लो, जो भी आप कह सकते हो वो आपकी मर्जी है। तो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो है। मैं अक्सर पिंक विला देखती थी जिसमें सेलिब्रिटीज बताती थी कि व्हाट इनसाइड माय बैग, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो सेलिब्रिटी क्या रखते हैं वो तो अलग बात है, हम सब जानते हैं देखते हैं। तो मुझे लगा कि हम लोगों को भी शेयर करनी चाहिए कि हम अपने बैग में क्या रखते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। तो मैं अभी अभी ट्रैवल से वापस आई हूँ और मैं अपना बैग अनपैक कर रही थी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे निकाल रही थी, बाकी चीज़ें इसी में रहेंगी क्योंकि ये ही मेरा ट्रैवल बैग है। अक्सर मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो इसे ही लेके जाती हूँ। बाकी जो डेली यूज का बैग है, लाइक आप कभी मार्केट जाते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो तो अक्सर आप स्लिंग बैग यूज करते हो, तो मैं इसे अनपैक कर रही थी। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे बैग की बात कर लेते हैं। तो ये बैग है फॉरएवर 21 से, हम लोगों के लिए लाइक मिडिल क्लास लोगों के लिए फॉरएवर 21 बहुत ही अच्छा कलेक्शन रखता है। मेरे पास उसके और भी बैग हैं, मैं कभी शेयर करूंगी। तो ये मैंने फॉरएवर 21 से लिया था और बहुत स्पेसियस बैग है, ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलो एक एक करके हम दिखाएंगे कि इसमें मेरे पास क्या क्या है, मैंने क्या क्या रखा हुआ है। और अभी मेरे पास कोई सेटअप नहीं है क्योंकि आफ्टर 5 मंथ मैं नोएडा आई हूँ, तो अभी मुझे धीरे धीरे टाइम लगेगा। मैंने ये वीडियो बहुत इंस्टेंटली शूट करने का प्लान किया क्योंकि जब मेरे दिमाग में आया कि इसे मैं अनपैक कर रही हूँ तो मुझे ये वीडियो शूट करना चाहिए, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा चलो आज शूट कर लेते हैं। तो ओपन करते हैं, आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाओ कि सेलिब्रिटी के अलावा कॉमन लोग जो होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो अपने बैग में क्या रखते हैं। बैग तो सब रखते हैं, तो चलो बिल्कुल एकदम फेयर दिखाऊंगी, जो है वही है इसमें, जो जैसे डंप किया हुआ है वैसे ही आज निकालूंगी और आप सबको एक एक चीज दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये है, आप सोच रहे होंगे ये मेकअप पाउच है जैसे सेलिब्रिटी रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मेकअप पाउच तो है पर इसके अंदर जो चीजें हैं वो है मेडिसिन। तो ये मेरे बेटे का मेडिसिन है, इस बैग में मैं दो लोगों को कैरी करती हूँ, खुद का और मेरे बेटे का। तो ये है उसके मेडिसिन, कुछ इसेंशियल मेडिसिन हैं अपने भी उसके भी। तो ये एक मैंने जो मेकअप पाउच था उसे मेडिसिन किट बना दिया है। और ये मैं कभी भी नहीं भूलती, मैं जहाँ भी ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं भी ट्रैवल करूँ, मैं इसे ले जाना कभी नहीं भूलती। ये मेरा मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट, आप इसे कह सकते हो मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट में आता है। तो इसे तो मैं कभी भी नहीं भूलती, और आप लोग भी बींग ए मॉम अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको भी ऐसे एक मेकअप पाउच की जरूरत है जिसमें इसेंशियल मेडिसिन जो आप अपने बच्चे को देते हो वो इस तरीके का एक मेकअप पाउच होना, सॉरी मेडिसिन किट होना चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे का मेडिसिन कैरी करो हर जगह। तो ये है मेरा फर्स्ट जो मेरे बैग से निकला है, चार्जर और हेडफोन, ये भी सभी रखते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने आया 2 दिन हो गए और चार्जर, क्योंकि मेरे पास 2 चार्जर है, मैं 2 फोन कैरी करती हूँ, दोनों वन प्लस है, तो मेरे पास 2 चार्जर है। तो एक पहले यहाँ पड़ा हुआ था तो उसी से काम चल रहा था, ये बैग में ही था। और ये अगेन हेडफोन ये एक डब्बा है जो खाली है, आई थिंक मैंने इसमें रिंग रखा हुआ था, वो मैंने पहना है और उतार के भी कहीं इधर उधर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी लोशन जो सभी कैरी करते हैं, अगेन स्प्रे रोज वाटर, ये बहुत ही एसेंशियल चीज है, आप कहीं भी हो ना तो ये आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, लाइक एंड वाइप, फुट क्रीम, क्लींजर, मॉइस्चराइजर, मोस्ट एसेंशियल। वैसे बहुत सारी चीजें नहीं हैं, डीओ जो भी आप इसे बोलते हो, अगेन एक मेडिसिन जो इधर उधर हो गया होगा, मास्क, प्रोटीन बार, ये फुल्लू का है,
आलमंड ओट्स हाई फाइबर एंड प्रोटीन बार है ये। तो ये मैंने ना इधर ही सर्च किया है उसके लिए कि वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं ना दिन में अगर वो 3-4 बार चॉकलेट मांगता है तो 1-2 बार मैं उसे ये देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और चॉकलेट के चॉकलेट भी हो जाते हैं बच्चों को। तो ये भी पड़ा हुआ है, अगेन प्रोटीन बार कॉम लिप्टिन। ये जॉब्स का लिप्टिन है, ये ऐसा काम चलाऊ है कि ये इसी में पड़ा रहता है। यूज भी कर सकते हो नहीं भी, मैं प्रिफर नहीं करती बहुत ज़्यादा इसे यूज करना, लेकिन हाँ काम चलाऊ आप इसे यूज कर सकते हो कि ये बहुत ही न्यूट शेड देता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, तो आप इसे लिप बाम कह सकते हो, लिप्टिन नहीं कह सकते। अच्छा ये है, ये माउथ फ्रेशनर है कॉलगेट का, बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर, तो ये है एक मिनी सैनिटाइजर बिंदी। सनस्क्रीन, तो ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 50 है इसका। और कहीं भी आप किसी भी टाइम पे आप अगर सनस्क्रीन यूज करते हो तो आपको SPF 50 ही यूज करना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये है वही सनस्क्रीन, और रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है सनस्क्रीन को लेके, तो मुझे पता चला है कि अगर आप घर में भी बैठे हो या आप घर में नहीं हो, कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ सन का रेज नहीं भी आ रहा है, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी मौसम में, चाहे विंटर हो, समर हो या बारिश हो, आपको सनस्क्रीन के साथ ही अपने फेस को रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके फेस के लिए। तो मैं आजकल इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो चीज़ निकली है वो है सिंदूर, यही है कॉमन लोग और सेलिब्रिटी में अंतर हम क्या क्या रखते हैं, बिंदी, सिंदूर, रबर बैंड बहुत इफेक्टिव है, अगेन एक रबर बैंड। चीजें अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। अच्छा हाँ, ओ सॉरी, ये है आई कार्ड, अगेन बिंदी का पैकेट और ये कार्ड्स। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है, जिसे आप बैग में भी रख सकते हो। आई मीन टू से कि आप आगे छोटा सा जो वो कॉइन पर्स होता है वो भी रख सकते हो इसके अंदर, पर मेरे को ना कैश और कार्ड कैरी करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे लिए। मैं हमेशा फ़ोन पे के भरोसे ही घूमते रहती हूँ, और इसमें मैं बहुत बार फंस चुकी हूँ विदाउट कैश और बिना कार्ड के। लाइक मैं इसी बार नोएडा से पटना चली गई सिर्फ अपना जो मेरे पास कैश बचा था वो लेके और बिना कार्ड के, और वहाँ मुझे बहुत दिक्कत हो गई कैश की। मैं पैसे फ़ोन में रहते हुए भी नहीं निकाल सकती थी क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं था। तो बस आप देख सकते हो बैग ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, पीछे भी एक चेन है, देखती हूँ उसमें कुछ है या नहीं। नो ओके हाँ, इसमें है, ये है मेरा बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड क्या है, बिजनेस क्या है मेरा और मेरे पास क्या है, ये चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी, फिलहाल तो बैग की बात हो रही थी। तो बैग ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, और इसमें जो चीज़ें मेरे यूज की हैं लाइक ये सारे, तो ये सब मैं निकाल के रख दूंगी इधर, और बाकी जो चीज़ें हैं जो मेरे पास ऑलरेडी बड़े में हैं लाइक ये सारे तो ट्रैवलिंग पैक हैं, वो मैं ऑलरेडी इसी में रखूंगी, क्योंकि जब ट्रैवलिंग के टाइम मुझे दिक्कत ना हो, जो चीज़ें इसमें रखूंगी वो रहती हैं, वो ऐसे ही रहती हैं, मैं जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ ये उठाऊँ और चल जाऊँ। तो ये था व्हाट इनसाइड माय बैग व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अब इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए मुझे इजाजत दें, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो ब्लॉग भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं अभी कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहती। तो बस मिलती हूँ मैं, बाय बाय।